हमेशा जला के रखना है हमने रूहानी तौर पे, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग कैंडल घर पे जला के रख ले, ऐसा नहीं है, बल्कि रूहानी तौर पर हर वक्त बेदार और तैयार रहना है कि यीशु मसीह की आसानी हो। जब भी यीशु मसीह अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आए, तो हम हवा में उड़कर अपने जिंदा खुदावन यीशु मसीह का इस्तकबाल करने वाले हैं। आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे खुदावन की हजूरी में। बेशक हमने अपने जिंदा खुदा की प्रस्तुति की है, उसकी सिताइश की है, और खुदा ने हमें वर्शिप के बस ब्लेस भी कर दिया है। जिन लोगों ने पूरे दिल से, पूरी जान, पूरी अकल, पूरी ताकत से अपने जिंदा खुदा की प्रस्तुति की है, खुदावन ने उन्हें बरकत पर बरकत दे दी है। मेरे अजीजों, अब वक्त है कि खुदा अपने लोगों से बोले और कलाम करे अपने खादिम के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से। आए मेरे अजीजों, खुदावन से कहें कि अब खुदावन आप मुझसे बोलिए और मुझसे कलाम कीजिए। खुदा आपके खादिम के वसीला से मैं आपकी जिंदा आवाज को सुनना चाहता हूँ। ऐ खुदा, मेरी सोचों से, मेरे ख्यालों से, मेरे रूह जा बदन से कलाम कीजिए जिंदा खुदा, ताकि जब आपके पास कलाम को सुन दो से सुनकर अनसुना ना करूं है जिंदा खुदा, बल्कि एक खुदा मेरे बाल को दबा मेरे दिल की जमीन में ये जड़ पकड़े और जड़ पकड़ के 100 गुना फल लेकर आए है जिंदा खुदावन। और एक खुदावन वो फल एक खुदा मेरे बाल को दबा मैं आपकी अंसुरी में लेकर आने वाला बनूं। वो पा कलाम जो आज आपने अपने खाली में नाजी करने को है जिंदा खुदा, आज उस पा कलाम के वजह से खुदा मेरे जो आप मुझे देना चाहती हैं जिंदा खुदावन, उस ब्लेसिंग को रिसीव करने वाला हूँ जिंदा खुदावन। आए मेरे अजीजों, एक बार फिर से अपनी तवज्जो खुदावन की तरफ लगा दीजिए और खुदावन से कहना शुरू करें कि खुदावन आप मुझसे बोले और कलाम कीजिए। मेरे अजीजों, जब कोई कहता है खुदावन से कि आप मुझसे बोले और आप मुझसे खुदावन कलाम कीजिए, खुदावन अपने उन्हीं लोगों से बोलता और कलाम करता है। मेरे अजीजों, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा होगा जो आपके लिए बरकत का बायस होगा कि आज वो एक बार फिर से खुदावंत की हजूरी में खुदावंत के बंदा के वसीला से बरकत पाए। तो आए मेरे अजीजों, अपनी तवज्जो खुदा कहें कि
खुदावंद आप उससे बोले, ताकि आपके जब खालिक कलाम करे तो मेरी बीमारी, मेरी मुश्किल, मेरी परेशानी, मेरे दुख, मेरी तकलीफ है खुदावंद चली जाए। ऐ जिंदा खुदा अपने खालिक के वसीला से मुझसे बोले और कलाम कीजिए जिंदा खुदा। जैन रूपा के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे और अपने आप को खुदावंद की जिंदगी बशपा कलाम के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। जिम 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 बारिश बरसा अपने कलाम के, रिम जिम 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 आए बारिश बरसा तारी में हो
अपनी आंखों को खुदावन की हजूरी में बंद रखेंगे। भाई आसिफ के साथ लेकर बैठी हुई जमायत के लिए और खुदा के बंदा के लिए खुदावन की हजूरी में आज के जिंदगी वशपा कलाम के लिए दुआ करेंगे। हमारा खुदा बुलंद है और हमने हाथ भी बुलंद करने। हालेलुया 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 आमीन आमीन आमीन। हमारा खुदा यहाँ मौजूद है उस खुदा के लिए जो जिंदा पाक है, बेहद जोरदार ताली, क्योंकि हमारा खुदा जोरावर खुदा है। आमीन। मसीह के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे साथ देखिए बगैर किए हुए जबूर 119 और उसकी 71वीं 71 आयत। जबूर 119 तारीफ लिखा है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। आगे जी अगली आयत। तेरे हाथों ने मुझे बनाया और तरबियत और तरतीब दी, मुझे फहम अता कर ताकि तेरे तुझसे डरने वाले मुझे देख कर खुश, मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। आमीन। खुदा इस कलाम से आप सबों को बरकत दे। आमीन। खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद
कहते हैं कि अच्छा हुआ मैंने क्या उठाई है, मुसीबत क्या उठाई है, मुसीबत उठाई है। क्यों कहता है कि अच्छा उठाई, वो क्यों कह रहा है, किस कंडीशन में कह रहा है, उसकी बात को समझिए। मुसीबतें बाज दफा हमारी हैं, या हमारे कामों की वजह से मुसीबतें खड़ी रहती हैं, हमारी सुस्ती की वजह से मुसीबतें खड़ी रहती हैं। ये बंदा कह रहा है अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। हम जिस दौर में रहते, इंसान मुसीबतों से भागता फिर रहा है, मुसीबतों परेशानियों की वजह से यहां तक के इंसान खुदकुशी करने पर भी मायल है, क्योंकि मुसीबतों से उसकी जान नहीं छूटती। एक मुसीबत जान तैयार है, लेकिन बंदा तो कह रहा है अच्छा हुआ कि मैंने क्या उठाई है, मुसीबत उठाई है। यानी कि ये मुसीबतों से खुश है। ये क्यों कहता है कि मैंने मुसीबत उठाई है, ये क्यों कह रहा है कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई, ताकि मैं तेरे आइन को सीखूं। सुनिए, जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमारा ध्यान अपनी मुसीबत पे लग जाता है, हमारा ध्यान अपनी परेशानी पे लग जाता है। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई, इसलिए कह रहा है कि इसका ध्यान मुसीबत पे नहीं है बल्कि खुदा के कलाम पर। हम कलाम पर ध्यान नहीं लगाते, मुसीबतों पर ध्यान लगाएंगे तो मुसीबतें आपकी कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लिए सोने सोना कितना महंगा सोना है, सोना कितना महंगा है, हूं तो गरीब बंदा खरीद भी नहीं सकता। वो कहता है सोना चांदी से, यानी सोना जो है इस वक्त बहुत महंगा है। वो कहता है सोना चांदी से भी ज्यादा मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है, मुझे पता है कि मैं तेरे कलाम पर भरोसा रखता हूं, मैं तेरे कलाम पर यकीन करता हूं। आज कलाम पर यकीन नहीं करते। खुदा ने फरमा दिया, पता नहीं होगा या नहीं होगा, खुदा के फरमान पर यकीन करेंगे, अपनी मुसीबत देखेंगे तो आप मुसीबतों में घिरते चले जाएंगे। जब हम अपनी मुसीबतों के नहीं जिंदा खुदा पर ध्यान, तो फिर जैसी भी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, लश्करों का खुदा आपके साथ होएगा। अरे हम से घबराते हैं। वो कहता है हजार सोने सिक्के चांदी से भी ज्यादा तेरा कलाम कीमती है, यानी उसकी लगाई है खुदा के कलाम की। कलाम ना जिंदगियों के होने की वजह से अंदर हम दुनियावी मामलों में फंसकर परेशान रहते हैं, तकलीफें उठाते हैं। क्यों? यही शख्स के अंदर कलाम है, और यही कहता है खुदावंद मेरा चौपान है मुझे कमी, क्योंकि इसकी जिंदगी के अंदर कलाम है। ये ईमान के बोल बोलता है। जिस शख्स के अंदर कलाम है वो डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। उसको पता है कि जैसी मर्जी मुसीबतें हैं मेरे साथ खुदा मौजूद है। कहते हैं मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। एतमाद समझते हो? एतमाद ये होता है, फर्ज करें जैसे किसी का रिश्ता करवाना हो तो किसी ने जैसे वो करवाना है उसको वो जानता है कि मतलब ये लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, इनका बैकग्राउंड किस तरह का है, तो वो मतलब पूरी डिटेल बता देता है कि मुझे इन पर क्या है एतमाद है। मुंडा ठीक है, पक्की नौकरी करता है,
कमांदा ठीक है, नशा कोई नहीं करता, भैड़िया ना नहीं पीता, चर्च जाता है, दुआ करता है। यानी वो उसकी गवाही दे रहा है कि मुझे इस पर एतमाद है, तुसी अखां बंद करके कुड़ी दे दो, कुड़ी सारी जिंदगी की रहेगी, खुश रहेगी, तो जे किसे चर्सी ना कर ली तो फिर परेशान रहेगी। खैर, एतमाद बहुत जरूरी है, और एतमाद किस पर करना है? खुदा के, किस पर करना है? खुदा के कलाम पर। दाऊद यही कहता है बार बार अपने जबूरों के अंदर, एक ही बात लिखता है, खुदावंद मुझे तेरे कलाम पर क्या है? एतमाद। इसलिए वो कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबतें उठाई हैं, अच्छा हुआ कि मुसीबत खड़ी हुई हुई है, अच्छा हुआ कि ये परेशानी मुझ पे आई है। अजीजो, जितनी बड़ी परेशानी जिंदगी के अंदर आएगी, गौर से सुनिएगा, जितनी बड़ी मुसीबतें परेशानी जिंदगी में आएंगी, अगर आप खुदा के अंदर हैं, उतनी बड़ी गवाहियां पैदा होंगी। अगर आप खुदा के अंदर नहीं है, नहीं चल रहे, तो आपकी जिंदगी में मुजीद परेशानियों के रास्ते खुलते चले जाएंगे। माहौल में हम लोग रहते हैं, यहां सवाए तकलीफों तंगियों के सिवा कुछ नहीं है। पैसा समझते हैं वो भी बड़ा खुश है, पर देख के कुछ भरा हुआ है, उसके अंदर भी बहुत सारी दुखों और तकलीफों से भरा। कोई ना कोई शख्स, कोई ना कोई जख्म उसके दिल के अंदर, उसके दिमाग में भरा हुआ, लगा हुआ है, चाहे वो बात के जरिए बताए या इशारे के जरिए बताए कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये तकलीफ, ना इशारा दे दी दे, हूं मैं परेशान हाँ, कोई तकलीफ किसी ना किसी तरीके ना दस दे दिए। अब वो समझे ना समझे, बात तो परेशान, अकेले ही परेशान रहते हैं, सैड बैड, अकेले ही दुखों तकलीफों का सामना कर रहे हैं, अपनी अकल अपनी सोच से लड़ के मैं इस तकलीफ परेशानी से बाहर आ जाऊं, इधरों गड्डी काटना तो परेशानी तो आ जा, नहीं है वरी मैं यू टर्न ले लेना हूं, इधरों दी जाना हो, किसी ना किसी तरीके से हम उस परेशानी का निकलने का हल निकाल रहे होते। लेकिन निकलती है, फिर आगे एक और खड़ी हो जाती है, फिर निकलती है, फिर एक और खड़ी हो जाती है, एक जाती है दूसरी खड़ी हो जाती है। बाज दफा अपनी परेशानी में नहीं, हाथ की वजह से परेशान, अपनी फैमिली की वजह से परेशान, फैमिली परेशान है, फैमिली के अंदर इतने मामलात खड़े हो जाते हैं कि अब हम किसको बताएं, किससे बात करें, कोई मेरी कार्ज सुनदा, कोई मेरे ते ध्यान देंदा, किसे नु मेरी गल दी समझ नहीं आती। आपकी बात किसी को समझ आए या ना आए, अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं तो फिर खुदा के बंदा के साथ वो कहता है अच्छा हुआ कि मैंने क्या उठाई, मुसीबत उठाई, शायद मेरी कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं समझ रहा मेरी बात को, पर आपकी बात लश्करों का खुदा सुनेगा। आपके दिल के जैसे भी जख्म है, वो सारे जख्म लश्करों का खुदा भर देगा। इसलिए वो कहता है मुझे तेरे कलाम पर क्या है। मेरे साथ देखिए अय्यूब की किताब, उसका 23वां बाब, पुराने अहदनामा में से अय्यूब की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 11वीं आयत देखें, कितना बड़ा हादसा हुआ है इसकी जिंदगी में, क्या हुआ है जी।
पुराने ऐतनामा में से अय्यूब की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 11वीं आयत। मेरा पांव उसके कदमों से लगा रहा है, मैं उसके रास्ता पर चलता रहा हूँ और बरगश्ता नहीं हुआ, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया, लेकिन वो एक ख्याल में रहता है और कौन उसको फेर सकता है, और जो कुछ उसका जी चाहता है वो करता है। आमीन। जो कुछ उसका जी चाहता है वो क्या है, करता है। काबले गौर बात कहते हैं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा क्या किया है, खुराक नहीं खाई, इतना मैंने खाना नहीं खाया जितना मैंने कलाम को अपनी जिंदगी में अवलियत दी है। बहुत सारी कौमें फिरके कहते हैं कि ये बाइबल जो है बदल गई है। अब ये बहन जो रेफरेंस पढ़ रही है, किसी और को भी रेफरेंस है वे? जो पदाइश में पहला मेरी बाइबल में है या आपकी में भी है ना? जो मकाशवा की किताब इसमें लिखी है वो उसमें है या नहीं है? चुप कर गए तो मेरे नाल रहना है, नहीं है, है ना? कहते हैं कि वो चेंज होकर अब ये कोई और आपके पास आ गई है। ये किताब कभी भी चेंज, बल्कि ये चेंज, ये क्या करती है, चेंज करती है। जो कुछ इसके अंदर पहले से दर्ज है, जो कुछ खुदा ने फरमाया, जो कुछ खुदा के मुंह से निकला है, वो बात पूरी हुई है। जो कुछ इसके अंदर लिखा है वो हर किताब के अंदर, किताबें बहुत सारी हैं। अगर आप पढ़े गजलों की सलात की किताब में लिखा है, बहुत सी किताबें पढ़ने से आदमी थक जाता है, लेकिन उन किताबों के अंदर कुदरत नहीं है, वो ख्याल सोचो इरादों को बदल नहीं, वो इंसान के अंदर तब्दीली का सबब नहीं बन सकती। जिस दिन ध्यान लगाएंगे, लिखा है जो कोई कलाम पर तवज्जो करेगा वो क्या देखेगा, भलाई, यानी तवज्जो से सुनना, तवज्जो करना, इस पर तवज्जो लगाना। अय्यूब ने क्या काम किया है कि उसने जरूरी से ज्यादा जहीरा कलाम को किया। अगर उसने इस कलाम को जखीरा ना किया होता, ना रखा होता, इतना बड़ा हादसा, इतनी तकलीफें, वो फिर भी कहता है कि खुदावन मैं बरगिश्ता नहीं हुआ, मैंने तेरी राहों को नहीं छोड़ा, मैं तेरे कलाम से नहीं हटा। इतना हादसा किसी से हो जाए, आज किसी का कोई मर जाए तो उन्हें कहना खुदा साडे ना इंज तू क्यों, मेरे नहीं इंज क्यों। उसके साथ देखे इतना बड़ा हादसा एक ही वक्त में हुआ, लेकिन वो कहता है कि खुदावन मैं तेरे मुंह की बातों से नहीं हटा, मैं तेरे साथ चलता रहा हूं। हमने पहले क्या पढ़ा, अच्छा हुआ कि मैंने क्या उठाई, मुसीबत उठाई। मुसीबतों से वो लोग घबराते हैं जो खुदा के अंदर नहीं है, दुखों से वो लोग घबराते हैं जो खुदा के अंदर नहीं है, परेशानियां उनके लिए हैं जो खुदा के साथ नहीं चल रहे। जो खुदा के साथ चल रहे हैं उनके लिए तो वो कहता है अच्छा हुआ कि मैंने क्या उठाई, मुसीबत। इसके लिए बड़ी मुसीबत है, बच्चे मर गए,
बैंक बैलेंस खत्म, पैसा खत्म, कुछ भी नहीं है, हालात भी अच्छे नहीं है, अब तो घर भी दुरुस्त नहीं है। बुरे वक्त में अपने भी कहते हैं छोड़ देते हैं, क्या करते हैं अपने भी, अपना तो एक सपना है, सपना भी फिर खत्म हो जाता है। फिर शेर गांदे ने हमें तो अपनों ने लूटा, किन्ना ने लुटे आए अपनों ने, किन्निया ने लुटे आए अपनों ने, देखो कहते मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी ही, वो कितने डूबनी है, पानी नहीं तो डूबेगी कितों, सुनने वाले भी बेवकूफ ने ते कहन बेवकूफ ने। मैं बस पे बैठा सुन रहा था, मैं आके चंगी बेवकूफी है ते लोकी भी एटे सीरियस होके सुनते ने वाह वाह वाह, बजाय जो हिकमत की बात है, बजाय जिस पर हमें ध्यान लगाना है, बजाय कि जिस पर हमारा ईमान तवक्कल भरोसा है उस पर लगाए, ना कि दुनिया की बात पर। अय्यूब ने यही काम किया, उसने ये नहीं देखा कि इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो कहते हैं मैंने जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा, कई वेख रोटियां चार चार भी खा के फिर भी ढेड डिगदे भी उन्हें मिठे की कटोरी फाड़ ही लैनी है। ये क्या कर रहा है, कहता है मैंने जरूरी पानी के सोते उठते, इसकी जिंदगी में नजर आ रहा है कि खुदा का कलाम है। आप सरफराज होना चाहते हैं, कलाम पर ध्यान लगाएं। आप तरक्की पाना चाहते हैं, कलाम पर ध्यान लगाएं। कुछ लोगों का बहाना की है मेनू पढ़ना, उर्दू ठीक, आपकी उर्दू है। अजीजों याद रखिए, हमारा खुदा ऐसा खुदा है ये नहीं कि जिसने बीए किया हुआ है उसकी सुनता है, या जिसने पांच पढ़ी है उसकी सुनता है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा ओदी सुनी। उसकी मोहब्बत ये है कि जिसने पढ़ा है उसकी भी सुनता है, जो अनपढ़ है वो उसकी भी सुनता है। हालेलुया हालेलुया, जो उसके कलाम पर ध्यान लगाएगा। अय्यूब ने यही काम किया, वो समझ गया कि मुझसे सारा कुछ तो ले लिया गया है, मैंने मुसीबतों का तो सामना किया है, मैंने तकलीफों का सामना किया है। शायद हम में से बहुत सारे ऐसी तकलीफों में हैं जो बता भी नहीं सकते, ऐसे मामलात हैं जो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, ऐसी बात है जो किसी के साथ बात कर ही नहीं सकते। लेकिन वो सारी बातें एक तरफ, उन बातों को हटाकर उसकी बात पर ध्यान लगाएं जो आपकी बात सुनता है। मेरी बात समझ आ रही है, उसकी बात पर ध्यान लगाएं जो आपकी क्या करता है, सुनता है। ध्यान किसकी तरफ लगाना, खुदा के कलाम पर। बार हां दाऊद ने यही कहा, मुझे तेरे कलाम पर क्या है, चुप कर गए हो, क्या है तेरे कलाम पर, क्या है तेरे कलाम पर, एतमाद, मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि खुदा इस मुसीबत से, इस तंगी से तू मुझे छुड़ाएगा। वो किस वक्त छुड़ाएगा, जब हमारा ध्यान कलाम पर होगा, जब हम ध्यान से कलाम पढ़ेंगे, कलाम पर चलेंगे। बास कहते हैं भाई जी सानू दसो खुदा दी मर्जी मेरे लिए, साढ़े लिए खुदा दी मर्जी, मैं एक बार जानता हूं। खुदा की मर्जी जानना चाहते हैं, अपने हाथ दिखाए, कौन कौन जानना चाहता है, जानना चाहते हैं। आसान तरीका है, आप चाहते हैं
कि खुदा बताए कि खुदा की मर्जी आपके बारे में क्या है। मर्जी समझते हैं? मर्जी का पता जे कि दर्जी का पता जे? मर्जी समझते हो ना? एदी मर्जी की है? इन पूछो एदी मर्जी की है, एदी समझ नहीं आ रही। मुंडे ने पूछो, कुड़ी ने पूछो, इन्हों की समझ कोई गल आती? क्योंकि मर्जी नहीं है ना। है खुदा की मर्जी जानने के लिए आसान तरीका, खुदा की मर्जी के मुताबिक चले, खुदा खुद ही आपको अपनी मर्जी बताएगा। आई जे के नहीं आई है? खुदा की मर्जी पर चलेंगे तो खुदा अपनी मर्जी को आप पर जाहिर करेगा। वो बताएगा कि मेरी मर्जी, मेरे ख्याल, मेरी बात तेरे लिए ये है। खुदा को समझने के लिए, जानने के लिए खुदा का कलाम पढ़ना, सुनना, गौर करना जरूरी है। आप दुआ करवाते, अच्छी बात है। कलाम में भी लिखा है कि खादमों से, बुजुर्गों से दुआ करवाओ ताकि तुम शिफा पाओ, अच्छी बात है। लेकिन जबूर 107 में लिखा है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर क्या देता है? क्या देता है? बुलंद आवाज से बोले, क्या देता है? क्या देता है? शिफा। किस वक्त देता है? जब वो अपने कलाम को नाजिल करता। आप बीमारियों से महफूज रहना चाहते हैं, जिंदगी में कलाम रखें। परेशानियों से महफूज रहना चाहते हैं तो कलाम जिंदगी में रखें। लिखें मसीह के कलाम को दिलों में, कसरत से बसने दो। दाऊद कहते हैं, मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। क्यों ये कलाम दिल के अंदर रखना? कलाम भूल जाते हैं, इतो जाना कलाम भूल जाना। तो कोई ड्रामे दी सीरियल पूछ लो, लव्ज टू लव्ज याद होंगे, अगला सीन पहला तो ही सोच लेना, अगो एंज हो जाना, वो ख्याल पहले ही बना लेने। सुनना है कलाम भूल जाना। शैतान कलाम चुरा लेता, वो कहते तू केड़े काम लग गया, तू क्या कर रहा है भाई, तू कलाम पर ध्यान कहां लगा रहा है? इधर चैनल ते वे कैसा आ रहा है, कैसी फिल्म है, ड्रामे च वेखी हूं, कोई ड्रामा होने अगे ना। शैतान क्या करता है? हमारा ध्यान कलाम से हटा देता है, दुनिया की तरफ लगा देता है, दुनियादारी के मामलात में उलझा देता है। वो चाहता ही नहीं कि हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम रहे। और आसमान पर, अजीजों सुनिए, आसमान पर वही लोग जाएंगे जिनकी जिंदगी के अंदर खुदा का क्या है? कलाम है। बदी, नफरत, लालच, वो खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। जो कुछ दिल के अंदर है उसके मुताबिक ही उसको अजा जजा मिलेगी। अगर हमारी बॉडी के अंदर, सोच के अंदर खुदा का कलाम रहता है तो अजीजों याद रखे, यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और ये जो किताबें हैं ये मिट जाएंगी, कलाम आपको नहीं मिलेगा। दुनियादारी मिल जाएगी पर कलाम नहीं मिलेगा। कलाम उन्हीं लोगों को मिला है जिनके अंदर है, यही खुदा की बादशाही में आपको लेकर जाएगा। बगैर कलाम के बादशाही में आप नहीं जाएंगे। एक हवाला देखे मेरे साथ, मकाशवा की किताब पहला बाब और उसकी तीसरी आयत। इस नबुवत की किताब का पढ़ने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। आमीन।
लेकिन इस नबुवत की किताब का क्या करने वाला, क्या करने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला, जो इस किताब को पढ़ता है, जो इसको रीड करता है। आज हम क्या करते हैं, कलाम नु किते रख देता है, कदी डर लग गया तो फिर को पढ़ लिया जबूर 23, कोई बदरूआं का खतरा पै गया तो पढ़ लिया जबूर 91, कन ला लिया, जिवें बदरूआं गैब ओहदे बाद आप ही भी गैब, जैसे ही मामला सेट हुए उसके बाद आप ही भी किले सेट हो गए। हम लोग इसको पढ़ते हैं आरजी तौर पर, अखबार की तरह, अखबार देखा कदी ओथों पढ़ ले ते कदी ओथों पढ़ ले। एक बंदा क्या करता था, उसने जब सुबह ड्यूटी पे जाना होता था वो क्या करता था, कहता है आज मैं पूछता हूं खुदा मेरे लिए क्या कलाम है, उन्हें फटाफट अखा बंद करके जेड़ा हाथ च आया खोल लिया, वहां लिखा था खुदावन मेरा चौपान है मुझे कमी ना होगी। उन्हें कहा आज का दिन तो बड़ा अच्छा है, फिर उन्हें अखा बंद करके दूजे दिन फिर ड्यूटी ते जाना सी, उसने कहा खुदावन तेरा तेरे साथ है तू जहां जाएगा, उन्हें कहा खुदा आज मेरे नाल है। उसने फिर अखबार वाला काम किया, अखबार वाला काम किया, वो नए ऐदनामा में से लिखा हुआ आ गया, लिखा ऐ नादान आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। उन्हें क्या कलाम मेरे लिए बंद करो, ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐ तो मेरी जान काट लेने लगा है। हम लोग क्या काम करते हैं, बस ठीक है खुदा जेड़ा आज मेरे लिए वाले ही मैंने फटाफट दे दे, यानी मशीन लगी है। ओ भाई हमारा खुदा तरतीब का खुदा है, कैसा खुदा है हमारा, तरतीब का खुदा है। इस किताब को खाली पढ़ना नहीं, ये कोई आम किताब नहीं है, ये खुदा की बात करती है, खुदा का हाथ कैसा है, खुदा बात कैसे करता है, खुदा छूता कैसे, खुदा देखता कैसे है, ये आपको खुदा का कलाम बताएगा, ये दुनिया की और कोई किताब नहीं बताएगी। लिखा है इसको पढ़ने वाला, सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है, यानी जो भी इसमें लिखा हुआ, और आगे चलकर कहता है उस पर अमल करने वाला, अमल करना जरूरी है। फिर क्या कहता है, क्योंकि वक्त क्या है, यहां वॉर्न कर रहा है, वॉर्न कर रहा है कि वक्त क्या है, नजदीक है, यानी रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, वक्त नजदीक है, यीशु मसीह की आमद नजदीक है। हम किन मामलातों में उलझे, अगर हम दुनियावी मामलातों में उलझे रहेंगे, हमारा ध्यान कलाम पर नहीं रहेगा, हमारी तवज्जो कलाम पर नहीं रहेगी। ये जो किताब आई है हमारे पास, ये ऐसे नहीं आई, ये बड़ी कुर्बानियों से आई है, इसके लिए बड़े खून बहाए गए हैं, इसके लिए जाने कुर्बान हुई हैं। पहले लोग एक किसी के पास 3-4 आयतें भी आ जाती थी, वो खुश हो जाते थे कि हमारे पास खुदा का, लोगों के पास एक आध नबी का कलाम है, हमारे पास तो नबियों का कलाम है। हालेलुया, तो एक दी आकड़ च रहंदे ने तुहाडे को, तो एनाद आवे, एलियावे, दानियले, सारी हिस्ट्री आपके पास, आप लोग तो खुश नसीब हो। पुराने लोग एक आयत दो आयत उसको रीड करते, शरीयत में बच्चों को सिखा कि ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, इससे तो इकबाल मंद होगा, सरफराज होगा, तरक्की पाएगा। भाई एंथनी भी आपको बता रहे थे उस दिन शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, वो यही बता रहे थे कि अगर आप सरफराज होना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो कलाम पर क्या करें, ध्यान लगाएं, क्योंकि वक्त नजदीक है। आज भी हम कलाम पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो फिर वहां जाएंगे जहां रोना और दांतों का, फिर उठे जाना जे सारी जिंदगी दी आगे जे,
ऐ नहीं कोई सर्दी होन से अगली तो बाद गर्मी आ जानी है, मौसम बदल जाना, नो अबदी जिंदगी है और अबदी हलाकत भी है, अबदी मौत और खुदा नहीं चाहता कि कोई शख्स हलाक हो, खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। वो अपने मोहब्बत की खूबी हम पर जाहिर करता है अपने कलाम के जरिए। उसकी मोहब्बत की खूबी ये है कि उसने अपने बेटे को भेजा है। किसको भेजा है? बेटे को, बेटे को भेजा है कि लिखा है जो कोई बेटे पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की, और जो उसके कलाम पर यकीन कर लेता है, जो उसके कलाम पर भरोसा कर लेता है। मैं जुमे को यही बता रहा था कि शैतान क्या करता है, हमारे करता है हमारे ईमान को खराब करता है। आपको खुदा से कुछ लेना है तो मैं बता रहा था कि ईमान से ले सकते हैं, और ईमान हमारा किस पर है? खुदा के, खुदा के। आप जहां भी खड़े हो जाए आपके अंदर खुदा का कलाम है, खुदा कलाम आपको हिकमत बख्श देगा, कलाम आपको उठना बैठने का तरीके कार बता देगा। ये कलाम ऐसे अनपढ़ जाहिल लोगों को इसने ऑफिसर बना दिया, ये कलाम ऐसा है कि गिरे हुओं को, कुचले हुओं को, रद्द गिरे हुओं को, जो ना उम्मीद हो चुके थे, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं थी, जिनके पास कोई आस नहीं थी, जिनको कोई देखने वाला नहीं था, ये कलाम ने उन्हें उठाया है, ये कलाम ने उन्हें बहाल। आज से 16-17 साल पहले मैं आपको छोटी सी गवाही सुनाता हूं। जब मैंने खुदावन को कबूल किया, सुनिएगा, ना मेरा अब्बू ना मेरी अम्मी, मैं इतना दुनियावी मामलात में था कि जो मतलब दुनियावी काम होते हैं, जो इधर उधर के सारे वो करता था। तो मेरे को जब कोई कलाम की बात करता तो मैं उसको कहता, भाई शरीफ बंदे तेरा मेरा की वास्ता, ना मैं कभी चर्च गया, ना मैं कभी लेना, ना कोई देना, तेरा मेरा की वास्ता, जा बाबा काम कर। सीधे बंदा तो मैंने पसंद ही नहीं सी, शरीफ आदमी तो मैं कहना यार एदा मेरा की वास्ता, शरीफ आदमी से कोई लेना देना नहीं सी। खैर नशा वगैरह करता था, तो जब मुझे कलाम सुनाया गया, नौजवान मुझे होटल पर ले जाते कलाम सुनाते, नशे के अंदर जब मैं घर पे आता वो कलाम अंदर घूमता रहता। 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, मैं उनके पास चला गया, मैं कहा मैंने तुसा की दास देता है, कौन सी बात बता दी है, ये मेरे अंदर घूमती रहती है। मैं बढ़िया सीटा पी छड़िया ने भूलन का ना ही नहीं ले रहे, मैं बहुत कुछ करता हूं ये बातें मुझसे निकलती नहीं है। मैंने उनको बोला भाई मेरे साथ मिलिया किलिया ना करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता, आप पता नहीं आप अच्छे लोग हो, आप मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें करते मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कलाम की चंद बातें मुझे बताई, मैं भी दोनों होकर चुप करके सुनी जा, कभी इधर टीका कभी उधर, आखिरकार मैंने सुनी, मैंने बोला यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, फिर घर पर गया, लेटा सोया, वही बातें अंदर चल रही हैं, खुदावंद तेरा जुबान है, खुदावंद तुझसे मोहब्बत करता है। मैंने बोला कहाँ है ये, कौन है खुदावंद? मैं मसीह हूं, उनके बीच भी हमारे मसीह लोग हैं, उन्होंने मसीहत का ही नहीं पता, जिमें मैनू सी नहीं सी पता। खैर मैंने बोला भाई ये क्या वजह है, ये बातें मेरे अंदर रच बच क्यों गई हैं, पट्टी मैं खेलना, जुआ मैं, कोई शह छड़दा मैं नहीं हाँ, ये क्या बात है, ये कौन सी बातें जो मेरे दिल के अंदर असर करती हैं। उन्होंने बोला भाई आपको खुदा पुलार,
मैंने बोला मुझे खुदा बुला रहा है, दुनिया दे राम दे मेरे कोल ने। प्यो समझांदा है कोई दो ला के वो भी सिर ते नहीं है, माँ है कोई डांट टपट करेगी वो भी सिर ते नहीं है, कार भी सकना है, सुकून भी पूरा है, हर चीज भी है। फिर क्या बात है? कह रहे नहीं, आपको खुदा बुला रहा है। फिर क्या हुआ? जब वो बातें अंदर आई, मैंने अपनी जिंदगी पर गौर किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ करते कराते मुझ में काफी सारी चेंजिंग आना शुरू हुई। खैर, फिर उन्हीं दौरान क्या हुआ कि रात को 2:30 बजे तो गली के अंदर रोना पीटना चीखना चिल्लाना, मैं भी तो उतना शेज थले आना, देखना तो नीचे कोई शख्स नहीं है। मैंने कभी गलियों में इधर जाना कभी इधर जाना, मैंने बोला कहाँ है जो लोग रोते हैं। फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ, मैं तकरीबन 7 रातें ना सोया हूं, 1 मिनट के लिए आंखें बंद नहीं की, 1 सेकंड के लिए आंखें बंद नहीं की। मैंने उन लड़कों को बोला भाई तुसा मैनू केड़ी मुश्किल च पा छड़िया, तुम्हारी वजह से मैं एक मुश्किल में पड़ गया हूं। क्या हुआ? मैंने बोला आज मुझे 7 दिन हो गए, 1 मिनट मैंने आंखें बंद नहीं की, जब भी मैं सोने लगता हूं मुझे रोने की चीखने की आवाजें आती। उन्होंने बोला भाई आप किसी सीनियर पास्टर से दुआ करवाएं, आपको खुदा बुला रहा है। मैंने बोला मुझे बुला रहा है? मैनू बुला रहे? मेरा तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, मेरे तो कनेक्शन ही पुठे लगे हुए ने, मेरिया तारा ही पुठियां लगिया ने, मेरा क्या वास्ता। कह रहा ना आपको खुदा बुला रहा। मैं अच्छा चलो जी, कभी चर्च नहीं गए थे, डरते डराते छुपते छुपाते चर्च टोड़ गए, मैं कोई वेखेगा की कहेगा। आज का नौजवान को बोलो ना चर्च है, भाई जी लोग वेखनगे की कहेंगे। मेरे अंदर भी यही था। किसी बेटी बेटे को बोलो ना चर्च है, बोलेगा लोग क्या बोलेंगे, लोगों को देखेंगे तो लोग ही देखते रहेंगे। मैंने भी सोचा था छुप छुप आके चर्च गया, मैंने पास्टर साहब को सारा मामला मसला बताया कि भाई ये मामलात है। खैर उसने बोला आपने आज रात क्या करना है, जब सोना है तो दुआ करनी है, खुदावन तेरा लहू चाहते हैं और खुदावन मैं अपने आप तुझे दे देता हूँ और ये जो तासीरें हैं इन्हें यीशु नाम से झिड़क देते हैं। मैंने बोला बस इतनी सी दुआ? पहला तो मैंने दुआ ही ना आए, मैं कोई 4 दफा देखो दुआ सीखी घर गया, जैसे ही मैं लेटा मैं क्या हूँ 2:30 बजे नाले ने तो इन्ना आके हूँ कल्पना शुरू कर देना। खैर मेरे जेहन में था तो मैं उसी कोई तरतीब नहीं दुआ के थे, कोई सलीका नहीं था, ऐसे लेटे लेटे बोला खुदा हम तेरा लहू चाहते हैं, तेरा हाथ चाह तो मैं अपना आप तुझे दे देता। यही सोच मेरे अंदर चल रही थी, यही ख्याल मेरे अंदर चल रहे थे दुआ में। तो जब मैं रात को लेटा लेटे लेटे दुआ कर रहा था तो मेरे अंदर ये दुआ चलती जा रही थी, और सुबह जब मैं उठा तो मैंने जब देखा कि सुबह का दिन मैंने देख लिया है तो खुदा ने मेरी जिंदगी में एक बड़ा काम कर दिया है। सुबह जब मैं पास्टर के पास गया तो उसने मुझे बताया, कह रहा मैंने भी आपके लिए दुआ की है, वो जो लोग रोते हैं वो जो लोग चिल्ला रहे हैं पता नहीं कितनी तासीरें बदरू हैं आपके ऊपर काबिज थी, जब आपने खुदा का कलाम सुना है आपकी जिंदगी के अंदर कलाम ने असर कर लिया है, कलाम ने आपको महफूज कर लिया है, अब वो जितनी भी रोने वाली चीखने वाली तासीरें थी वो खुदा के बेटे यीशु नाम से चली गई हैं। हालेलुया। और वो दिन है और आज का दिन है खुदावन के साथ चल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। नस जान दिया बलावा जदो यीशु आ जाता है। आमीन। लिखे उसकी गवाही देना जरूरी है, अगर हम गवाही नहीं देते, ये नहीं मैं बता रहा कि पिछले गुनाह, गवाही देना जरूरी है। अगर आप किसी को गवाही नहीं यीशु की देते, आपकी गवाही की वजह से कोई शख्स बच सकता है, कोई उठ खड़ा हो सकता है, कोई तैयार हो सकता है।
गवाही देना जरूरी है। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। आइए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन ने आज आपसे कलाम किया है, आज से कलाम को कहिए खुदावन मैं भी चाहती हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि तेरे कलाम को जरूरी खुराक से, यानी जो हमारी खुराक है उससे ज्यादा जखीरा तेरे कलाम को करूं। आप अजीजों कलाम को जिंदगी में रखेंगे, कलाम आपको हिकमत बख्श देगा, कलाम आपको दना बना देगा, कलाम आपकी सोच को बढ़ा देगा, कलाम आपके ईमान को बढ़ा देगा, कलाम आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली का काम करेगा। आज से अहद करेगा खुदा मैं तेरा कलाम पढ़ूंगी, मैं तेरे कलाम पर चलूंगी, मैं तेरे कलाम पर ध्यान लगाऊंगी। शायद हमारा ध्यान भटक जाता है, शायद हमारा ध्यान कलाम पर नहीं रहता, शायद हम अपने ध्यान को दुनिया पर लगाए हुए थे। आज फिर खुदा ने आपको मौका दिया है, खुदा ने आज आपको फिर से उठाया है, खुदा आज आपको बहाल करना चाहता है। आज कलाम को लीजिए, जैसी भी दुआ करनी आती है दुआ कीजिए। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं, जितने भी हैं बाहर वाले भी अंदर वाले भी। शरीयत के अंदर ये कानून था कि वो अपने बच्चों को खुदा का कलाम सिखाते थे। क्या सिखाते थे? खुदा का कलाम। आज हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम आज बच्चों को क्या दिखा रहे हैं? क्यों हमारी कौम कामयाब नहीं है? क्यों हमारी बेटियां कामयाब नहीं है? क्यों हमारे बेटे कामयाब नहीं है? क्या वजह है? क्यों हम तरक्की नहीं कर रहे? क्यों हम बढ़ नहीं रहे? क्यों हम आगे नहीं जा रहे? क्यों हम लेने वाले हैं बल्कि देने वाले हो? क्या वजह? वजह यह है कि आप खुदा के कलाम को अपने बच्चों को फीड कराएं। आइए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपनी जिंदगी के लिए दुआ करें, अपने मामलात के लिए दुआ करें। जैसी भी दुआ आती है बुलंद आवाज से दुआ करें। हमारा खुदा लश्करों का खुदा है, ओ वो कलाम करता पहाड़ भी मैदान हो जाते हैं, उसके बोलने से हरनियों के हमल गिर जाते हैं। ओ आग उसके आगे आगे चलती है, ओ नपाकी नाराजगी ठहर नहीं सकती। आइए दुआ कीजिए, लश्करों के खुदा को पुकारना शुरू कर दीजिए। थैंक यू जीसस, उसने आपसे कलाम किया है, शायद हमारी तंबी के लिए, तरबियत के लिए। कलाम अपने दिलों में कसरत से बसा लीजिए। ये कलाम आजाद करेगा, ये कलाम रिहा करेगा, ये कलाम बंधनों को तोड़ डालेगा। शायद बहुत सारी जमीनें बंजर हो गई हैं, बंजर जमीनों को वो सैराब कर देगा, वो सहरा में नदियों को जारी करेगा, वो गिरे हुए को उठा खड़ा करता है। कलाम ना उम्मीदों को उम्मीद बख्श देता है, ओ कलाम ना दानों को दाना बना देता है, कलाम कमजोरों को जोर बख्श देता है, वो ना तवानाओं को तवानाई दे देता है। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। लेकिन जिसके पास हिकमत की कमी है वो खुदा से मांगे, हिकमत नहीं है तो मांगिए, दनाई नहीं है तो खुदा से मांगिए, दुआ करें। जैसी भी दुआ आती है दुआ करें। अपना रब्ता खुदा के साथ जोड़ लीजिए, अपने आप को खुदा के साथ जोड़ लीजिए। ये मत देखिए कि मेरे साथ कौन है, ये देखिए मेरे पास यीशु मसीह है। आप ये ईमान से दुआ करें, मेरे साथ यीशु मसीह है, ओ मेरी बात मेरा खुदावन सुन रहा है, मेरी आवाज मेरा खुदावन सुन रहा है, ओ उसकी हजूरी मौजूद है, उसकी हजूरी आपको छू रही है, उसकी हजूरी आपके बंधनों को तोड़ रही है। आपकी आजादी का दिन है, आपकी रिहाई का दिन है। लेकिन आज अगर तुम उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो,
आज आपने उसकी आवाज को सुने, अपने दिलों को सख्त ना करें, बल्कि नरम दिल हो जाए, अलीमी से कबूल करें, अलीमी से कलाम को दिल में रखें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब दुआ करें थोड़ी देर के लिए, हर एक लब खुल जाए, दोनों हाथों को उठाकर खुदा से कलाम मांगे, कहे कि इस साल मैं कलाम में आगे बढ़ूं, साल मैं तेरे कलाम को अपने दिल में बसाऊं, तेरे कलाम इस कलाम इस साल तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाला बनाऊं, अपने लिए कलाम मांगे इस साल, उसका कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं लौट, उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है। आपको बदल देगा, खुदा का कलाम आपको तब्दील कर देगा। ज्यादा से ज्यादा कलाम को सुना करे, पढ़ा करे, उसका कलाम आपकी जिंदगी बदल देगा, उसका कलाम आपके हालात बदल देगा, उसका कलाम आपकी फैमिली बदल देगा, उसका कलाम आपके अंदर से बीमारियों को निकाल फेंकेगा। उसके कलाम में पावर है, उसके कलाम में पावर है, उसके कलाम में कुदरत है। हालेलुया दिनेश, बेटियां कलाम को मांगे, बेटे कलाम को मांगे, बुजुर्ग कलाम को मांगे, बच्चे कलाम को मांगे। खुदा का कलाम हमें कुव्वत बख्शता है, खुदा का कलाम हमारी रूहानी रोटी है, खुदा का कलाम हमें दुरुस्त करता है, खुदा का कलाम एक आईना है, खुदा का कलाम हमें सरफराजी बख्शता है, इकबाल मंदी की राह नसीब होती है। करता हूँ जितने भी यहाँ पर मौजूद है, बाहर मौजूद है, सब पर तेरा कलाम बरसता रहे, कलाम की बारिश होती रहे, जैसे तू शगिर्दों से बातें करता था, अब से भी उसी तरह बातें कर रहे खुदा। हालेलुया दिनेश, हालेलुया दिनेश, तेरे कलाम को अपने दिलों में बसाने वाले, तेरे कलाम को अपने दिलों में बसाने वाले, ताकि हम तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। हालेलुया, मैं दुआ करता हूँ कि कलाम दिलों में बस जाए, कलाम दिलों में बस जाए, कलाम दिलों में छड़ पकड़े, ताकि पाकीज़गी आए। हालेलुया, कलाम नूर बख्शता है, कलाम के बगैर अब कुछ भी नहीं है, कलाम यीशु मसीह है, कलमा है खुदा है। हालेलुया दिनेश, हालेलुया दिनेश, हालेलुया दिनेश। मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया, मैंने तेरे कलाम को दिल में जिसे बसाया कहे, दिल को यहोवा तेरा, दिल को यहोवा तेरा मसीह बना लिया, सब कहे खुदा से, मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया, ये राह की है रोशनी कदीबो कहे जरा, कहे ये राह की
की है किताब तेरे मुंह से ना है, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तभी तुझे एक बार मिलने की राह नसीब है। इस साल जो बेटा जो बेटी जो शख्स इकबालमंद होना चाहता है, सरफराज होना चाहता है, हर लिहाज में तरक्की हासिल करना चाहता है, फाइनेंस में, स्पिरिचुअली लाइफ में, फिजिकली लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, वो कलाम को दिल में बसा ले, कलाम को दिल में बसा ले। कलाम होगा तो गुनाह नहीं होगा, क्योंकि जिसके अंदर खुदा का कलाम बना रहता है वो मजबूत रहता है, वो हटता नहीं, वो मुकरता नहीं, वो मजबूत रहता है। कलाम को उतरने दे अपने ऊपर, कलाम को अपने ऊपर उतरने दे, जो कलाम कहता है उसकी सुने, लोगों की बातें सुनना छोड़ दे, जो कलाम कहता है उसकी सुने, जो कलाम आपसे फरमाता है उसकी सुने, जो खुदा आपसे कहता है उसकी सुनो, जिसके कान है वो सुने कि रूह कलीसिया उसे क्या फरमाता है। कलीसिया से फरमा रहा है कि कलाम को दिल में बसाए, कलाम को दिलों में बसाए। खुदा चाहता है इस साल आपको बरकत देना, शर्त यह है कि कलाम को दिल में बसा। मेरी बहन मेरे भाई कलाम को दिल में बसा, ऐ बच्चों कलाम को दिल में बसाओ, कलाम आपको तरक्की देगा, कलाम आपको हिकमत देगा, कलाम आपको जीना सिखाएगा, कलाम आपको बोलना सिखाएगा, कलाम आपको उठना बैठना सब कुछ सिखाएगा। हालेलुया। कलाम के खिलाफ ना चले, कलाम के मुताबिक चले, तब आपको बरकत मिलेगी, आप मुबारक ठहरेंगे, आप बाप बरकत हो जाएंगे, आप हमेशा ब्लेसफुल रहेंगे। हालेलुया। आइए एक मिनट के लिए कलाम की तारीफ करें, कलाम का शुक्रिया अदा करें, खुदा का शुक्रिया अदा करें, तारीफ करें। हालेलुया। जैसी भी आपको दुआ आती है आप करें, आप शर्माए नहीं। कलाम कहता है मुंह को खोल तो शर्माए नहीं, कलाम ने कहा मुंह को खोल तो मैं उसे भरूंगा। भरोसा रखे, एतबात रखे, 110% ईमान रखे, वो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते हैं वर्ड ऑफ गॉड के लिए, कलाम के लिए, खुदा के कलाम की तारीफ करते हैं। खुदा का कलाम जो हमारे लिए शहद के टपकों से भी ज्यादा मीठा, खुदा का कलाम जो नमकीन है, जमायत में से जिस किसी को खुदा का रूह तौफीक दे वो बुलंद आवाज से शुक्रगुजारी की दुआ करे इस कलाम के हिस्सा के लिए, बाकी सब भी दिलों में शुक्रगुजारी करते रहे। बाकी सब भी तारीफ करते रहे, खुदावंद यहाँ पर मौजूद है, कलाम यहाँ मौजूद है। हालेलुया। Ba 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 ba
Yes. Yes. सबके आमीन आमीन सब तशरीफ रखे प्रेज हालेलुया पाकरों के लिए जोरदार तालियां बजाएं खुदा के बसा के लिए खुदा के जलाल के लिए और इस साल के आगाज ही में खुदावंद यही कलाम कर रहा है कि कलाम को अपने दिलों में बसाएं आमीन कौन कौन बसाने के लिए तैयार है इस कलाम को हालेलुया अच्छा बाइबल साथ कौन कौन लाता है आपका लव आपकी मोहब्बत कैसी है ऊपर दिखाएं जरा 20 नेक्स्ट टाइम कौन कौन लेकर आएगा बाइबल सबके पास मौजूद है फिर लेकर क्यों नहीं आते कार सिर्फ रखने से लइए या पढ़ने से लइए 10 मिनट तो फिर इन्हें ले क्या नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह नहीं कहूंगा फिर मैं सही तरीके से कहूंगा ताकि आप लेकर आएंगे आमीन आखिरी गीत गाएंगे इसी के दौरान अपने हथिये नजराने हम खुदा की हुजूरी में पेश करेंगे जमायत में से बताएं कौन सा गीत जो आप बोलेंगे किसी के दिल में नहीं पे ये यहोवा साडे नाल यहोवा साडे नाल 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 बोले अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई चंगा होता जो तो चुक दे मुसीबत पर खुदा का बंदा कहता है अच्छा हुआ ताकि मैं तेरे गिटार थोड़ा कम करो अच्छा हुआ कि मैंने ताकि मैं तेरे प्रेज़ द लॉर्ड मिलकर तारीफ करेंगे क्वायर के साथ Yeah.
Thank you.
नाल है। कोई आपके साथ हो या ना हो, पर उसने वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ, और जो साथ होता है वो सब कुछ मुहैया भी करता है। आज उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं, अपने जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, आए अपने सिरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें, खुदा का शुक्रिया अदा करें। जितनी भी खुदा ने आज आपको बरकत दी है और खुदा ने आपकी दुआओं को सुना है और जवाब भी दिया है, इस बात के लिए जिंदा खुदा की तारीफ करें। हालेलुया तेरा शुक्र, हालेलुया तेरा शुक्र। याद रखें, जो लोग शुक्रगुजारी करते हैं खुदा उन्हें डबल ब्लेसिंग देता है। आए अपनी लाइफ में शुक्रगुजारी लेकर आए और खुदा की तारीफ करना शुरू करें। और अगर इस वक्त कोई भी परेशानी की हालत में है, दुख की हालत में है, बीमारी की हालत में है, तो यीशु नाम से मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि हर तरह की बीमारियां चल जाए यीशु नाम से, हर तरह की प्रॉब्लम्स चल जाए यीशु नाम से, हर तरह की आफतें चल जाए यीशु नाम से, हर तरह की वबाएं चल जाए यीशु नाम से। आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु नाम से इसी वक्त आजादी मांग लेता हूँ, इसी वक्त बहाली मांग लेता हूँ, इसी वक्त शिफा मांग लेता हूँ, इसी वक्त तेरा जलाल सिद्धियों में ठहर जाए, तेरा लहू हर एक छान पर भाग लेता हूँ, और हर तरह के बदरूहों को चले जाने का हुक्म देता हूँ। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त जिंदगी आजाद और बहाल हो, मौसमी बुखार यीशु नाम से चला जाएगा। आउट करते हैं यीशु, हर तरह के वायरस यीशु नाम से, हर तरह के इन्फेक्शंस यीशु नाम से चले जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स परेशानियां हैं यीशु नाम से चले जाने का हुक्म देते हैं। हालेलुया तिरश, हालेलुया तिरश। दुआ करते हैं मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए अब तक खुदा जितनी भी दरखास्तें आई हैं उन तमाम के लिए दुआ करते हैं, उनकी हर तरह की बीमारियां, प्रॉब्लम्स, परेशानियां, घर के अंदर लड़ाई झगड़े, हर तरह के फसादात यीशु के नाम से चले जाएगा, यीशु के नाम से चले। इसी वक्त आजादी और बहाली मांग लेते हैं। हालेलुया। बेटे यशायाह के लिए दुआ करते हैं, हर तरह की बीमारी, हर तरह की प्रॉब्लम यीशु नाम से चली जाए, आजादी और बहाली मांग लेते हैं। शबाना की दुआ खास आई है, उनके लिए दुआ करते हैं, हर तरह की परेशानी घर की यीशु नाम से चली जाएगा। इसी वक्त आजादी और बहाली मांग लेते हैं, तेरी शिफा तेरी बरकत जिंदगियों में ठहर जाए, जिंदगियों में कायम हो जाए, इसी वक्त कायम हो जाए। अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कर, अपनी शिफा को रिसीव कर। यीशु नाम से मैं दुआ करता हूँ कि जिंदगियां बरकत पाए बुलादा, जिंदगियां शिफा पाए बुलादा, जिंदगियां कुवत पाए बुलादा, जिंदगियां रोजगार पाए बुलादा, हर तरह की बेरोजगारियां भी चली जाए। यीशु नाम से दुआ करते हैं, बुलादा नौजवान पढ़े लिखे कामयाब हो, एजुकेशन से रोकने वाली सारी तासीरों को भाग देते हैं। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। नौजवानों के लिए दुआ करते हैं कि नशे की लानत से आजाद हो जाए, नौजवान नशे की लातों से आजाद हो जाए। नौजवान भाई, नौजवान बहने आजाद हो जाए। तेरा नाम जिंदगियों में सबक चला, तेरे कलाम को दिल में बसा कर जिंदगी गुजारे, तेरी जगह जगह जाकर गवाही देने वाले हैं, इस साल तेरी खिदमत करने वाले हैं और तुझमें तरक्की करने वाले। खुदा शुक्र गुजारी करते हैं आज की सारी ब्लेसिंग के लिए, तेरी जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो तूने अपने बंदा के वसीला से किया है। और ज्यादा ब्लेस कर और ज्यादा मुख आशीर्वाद खोल, ताकि तेरा बंदा यूं ही तेरी खिदमत में और आगे बढ़ता चला जाए। और जितने कलाम को सुना है वो हमेशा कलाम को, इस किताब को अपने दिल में बसाने वाला है। तेरा शुक्र करते हैं सासों वासों के लिए जिन्होंने गा बजा कर तेरी तारीफ की है, तमजीद की है। खुदा इन्हें और ब्लेस करना खुदा, इन्हें और मसा करना खुदा, पूरी क्वायर के लिए, इंतजामिया टीम के लिए, सब के लिए खुदा मैं तुझसे बरकत की दुआ चाहता हूँ। मैं दुआ चाहता हूँ कि पूरी कलीसिया यीशु के नाम से तेरे कलाम में बढ़ती चली जाएगा, स्टॉप ना हो बल्कि बढ़ते चले जाएगा दादा, बढ़ते चले जाएगा दादा, बढ़ते चले जाएगा दादा। और जितने खुदावंद कलाम को सुनते हैं फसल बख्श के, वो दूसरों को भी कलाम
सुनाने वाले हो खुदा, दूसरों तक भी कलाम को फैलाने वाले हो खुदा, हर हर घर में अंजील को पहुंचाने वाले हो खुदा, तेरी ऐसी ब्लेसिंग मैं इस कलीसिया के लिए मांग लेता हूं खुदा, हर एक अफराद के लिए तेरी ऐसी ब्लेसिंग मांग लेता हूं खुदा। खुदा सदिये नजराने के लिए तेरी शुक्र गुजारी करते हैं जो तेरे लोगों ने दिए में से लुटाए, इसके बायस इन्हें मल्टीप्लाई करके लुटाना और कभी भी इनके घरों में किसी भी चीज की कमी ना आएगा। घर की रोटी पानी, रुपए पैसे, कारोबार में मैं तेरी कसरत की बरकत हो जाऊं। इस वक्त जिनके हालात दुरुस्त नहीं चल रहे, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि उनके हालात यीशु नाम से बदल जाए खुदावंदा, यीशु नाम से बदल जाए खुदावंदा, घर की हर एक चीज में बरकत आ जाए खुदावंदा, बरकत आ जाए खुदावंदा, बरकत आ जाए खुदावंदा। और अगर किसी के घर के अंदर कोई लड़ाई चल रही है, ना इत्तफाकी चल रही है, हर तरह की नाचाकी चल रही है, तो यीशु नाम से मैं दुआ करता हूँ कि हर तरह की लड़ाई झगड़े की तासीरें घर में से निकल जाए यीशु नाम से। आउट इन द नेम ऑफ यीशु, निकल जाओ यीशु नाम से। घर के अंदर सुकून आ जाए, घर के अंदर इत्मीनान आ जाए, घर घर बन जाए यीशु नाम से। बेशक खुदा तेरे कलाम में लिखा है रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। खुदा यीशु नाम से हर एक फैमिली के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं। हालेलुया तेरा शुक्र, सारी ब्लेसिंग के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। शुरू से लेकर अब तक तो हमारे साथ रहा, हमारा हाथी रहनुमा रहा, यही मसा जो हमारे अंदर है, यही जिंदगियों में है खुदा, ना घरों में यीशु नाम से ट्रांसफर होने वाला हो। तेरा शुक्र हो और तेरे नाम की तारीफ हो। तेरी सारी बरकत के लिए, सारी नेमतों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमें जो कुछ मांगा है आपने हमें सब कुछ दे दिया है, और अगर कुछ मांगना भूल गए हैं तो वो भी अपने लायक खजाना से हमें सब कुछ मुहैया करना, क्योंकि खुदा तुम्हारा बाप है, तू जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं, और बेशक तू सब कुछ देने की कुदरत रखता है। तेरा शुक्र हो और तेरे नाम की तारीफ हो। हर एक को छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत देना खुदा यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद ने सिखाया है, हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज रोटी आज हमें दे, कल से हमने कर्जों को माफ करते हैं, हमारे कर्ज माफ कर, बल्कि बुराई से बचा, तो बादशाह तो जरा हमेश कर सकते हैं। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की रफाकत और शराकत तमाम ईमानदारों, तमाम खादमों, तमाम कलीसियों के साथ, हाजिर जमायत के साथ, मुल्क इसराइल के साथ, इस पूरी टीम के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से आमीन। सब कहे आमीन। हालेलुया। आज की सारी बरकत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बोलो यीशु मसीह की जय। खुदा आसमान पर जल्द आने वाला, हालेलुया। हाँ, कोई गवाही सुनाना चाहता है तो वो सामने आकर यीशु मसीह की गवाही सुना सकते हैं। इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां बजाएं। स्माइल सुनिंग कर जाएंगे तो मेरी मुंह की बातें कभी नहीं करेंगे। जोरदार तालियां। हालेलुया। छोटी सी बच्ची है और हर साल की तरह खुदावन के लिए, किसके लिए? खुदावन के लिए जमा करती है और कलीसिया में लेकर आती है, और इसके दिल के अंदर एक बोझ है कि मैं खुदावन के लिए करूं। हालेलुया। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। मसीह में आप सबको सलाम। और मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि लास्ट संडे मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी, फीवर
और सर में बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द। वो सर को हाथ भी लगाती थी, कहती थी जैसे सुनने, और बहुत तकलीफ हो रही मामा। तो मैंने उसको बोला कि पैनाडोल लो। बहरहाल के मैं डॉक्टर के पास तो लेके नहीं उसको गई, तो मैंने फिर उसको पास्टर हनी से मैंने दुआ करवाई और मैंने चर्च में रिक्वेस्ट भी दी। और एक दिन गुजरा, दर्द कम हुआ। दूसरे दिन उसने कहा मामा बिल्कुल दर्द नहीं। तो उसका मैंने कहा कि स्कूल जा रहे तो गर्म शाल वगैरह लेके जाओ। कहती आप बिल्कुल मामा मैंने दुआ करवाई हनी भाई, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो खुदावंद का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि बच्ची को इतनी तकलीफ थी, मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके गई। तो हमारी डॉक्टर ने कहा नहीं, ये इसको आधे दर्द सर में दर्द हो रहा है, इसको तकलीफ है, तो इसके गुर्दों का मसला होगा, कुछ होगा। तो मैंने कहा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, मैंने दुआ करवाई डॉक्टर को। बहरहाल मैंने कुछ नहीं कहा, उसने मुझे मेडिसिन लिख के दी, सब किया। मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं उसको दी, टैबलेट पैनाडोल के अलावा, और बस दुआ करवाई। और दुआ से ही खुदावंद यीशु मसीह ने उसको शफा दी। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा भरोसा था, मेरी बच्ची का भरोसा था कि हनी भाई दुआ करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो खुदावंद का शुक्र है कि मैं जब भी कभी परेशानी में होती हूँ, मुश्किल आती है, तो मैं खुदावंद से इल्तिजा करती हूँ और खुदावंद से मदद मांगती हूँ। तो खुदावंद मेरी मदद करता है और परेशानी को दूर करता है। तो खुदावंद का शुक्र और तारीफ करती हूँ। हालेलुया। हनी भाई तो दुआ करता है, लेकिन बात असल होती है आपके ईमान की। किसकी बात होती है? ईमान। आपका ईमान नहीं होगा तो आप शिफा, आपका ईमान है तो आप शिफा। हालेलुया। खुदावंद के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। आमीन। अपने लिए तो सब सब कुछ करते हैं, और बेटी की बात से, बेटी के इस काम से मुझे एक बात याद आई है, और बात ये है कि कलाम में भी लिखा है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। मैं कहता हूँ जो लोग इस बरकत को, इस राज को जान लेते हैं, वो कभी भी कंगाल नहीं रहते, बल्कि खुदा उन्हें सरफराज करता है। हालेलुया। क्योंकि तुसी किन्नू देंदे हो? किन्नू देंदे हो? खुदा को। और जब हम खुदा को देते हैं, किन्नी रोटियां ते किन्नी मछलियां सन? दो रोटियां। किन्ने दीती सन? बच्चा लेके आया सी। कौन लेके आया सी? उन्हें वो ही दे दिया, ते उन्हें ही खुदा ने हजारां दे वेच वंड दिया। हालेलुया। और उसका नाम, उस शख्स का जो ये वाकया है बच्चे का, बाइबल मुकद्दस में। आप जो कुछ भी करते हैं, खुदा नोट डाउन करता है, खुदा लिखता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरे लिए क्या कर रही है। हालेलुया। सो इस महीने किस किस की सालगिरह आती है? आपकी और किसकी? नहीं, इस महीने, महीना भी नहीं गुजरा, आज क्या डेट है? 19 है। आप जरा उत्ते करो ना, मैं बताते चले। मेरे बेटे शरुण, ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट संडे हम सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। और नेक्स्ट संडे आप सब ने बाइबल अपने साथ लेके आनी है। भुलांगे ते नहीं? नाश्ता करना भूल जाओ, रूहानी नाश्ता ना भूलो। हालेलुया। हालेलुया। और छुट्टी नहीं होनी चाहिए। मैं कल अपने मुस्लिम दोस्त से बात कर रहा था, कहते सुबह 5 बजे उठ के असी नमाज पढ़न जाने, पर सानू 9-10 बजे उठन लग्या, जो ना बड़ी की लगती है, ठंड लग रही है। हमारी खुदा के साथ कैसी मोहब्बत है? खुदा से प्यार करें, खुदा के लिए करें, और खुदा आपको बढ़ाएगा। आते रहे जब तक खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आप सलामती के साथ जा सकते हैं। एक दूसरे से कहिएगा यीशु आपसे प्यार करे। God bless you.